हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल प्रिया लक्ष्मी बालाजी सेलर। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको पता ही है ये अभी बटर ग्रे का स्टॉक दिखाया जा रहा है आपको। अभी इसका जो है वो डिटेल वीडियो है, ये देखेंगे कितना बड़ा चंक्स है। येलो कलर का है येलो बटर ग्रे, ये अलग से रखा जाएगा। यहाँ पर कुछ सॉर्टिंग हो गई है जिसमें बड़े बड़े चंक्स के जो भी है बटर ग्रे वो निकाला जा रहा है साइड में, क्योंकि जब कस्टमर की ऑर्डर आती है तो उनको सही ऑर्डर मिले, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं जो भी बिग बिग चंक्स है वो साइड में निकाल लेते हैं। क्योंकि इसमें काफ़ी ऐसे चंक्स है जो बड़े भी हैं और बहुत ही छोटे भी हैं, तो ज़्यादा करके सब बड़े ही चंक्स है। क्वालिटी तो मैंने आपको बताया दिया, टेक्सचर भी आपने देख लिया, ठीक है। तो बस आपके सामने इसको हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा अलग सॉर्टिंग करके दिखा रहे हैं। देखिए कैमरा एकदम पास में तो यही चंक बहुत बड़ा, लेकिन एक्चुअल में इतना ही है, छोटा है, एकदम छोटा पीस है। जब कैमरा पास में होती है तो बहुत बड़ी दिक्कत आती है ना ऐसा, तो वो एकदम पास में से क्या होता है आपको अच्छा उसका क्वालिटी समझ में आती है। लेकिन जब हम फोटो या वीडियो बनाते हैं ना तो बहुत कस्टमर बोलते हैं कि हमें ये वाला चाहिए था वो, तो एक्चुअल में उसका साइज़ क्या होता है वो दिखाते हैं। देखिए एकदम पास में रहता है तो टेक्सचर के लिए बहुत अच्छा होता है ये, लेकिन इसको अगर दूर करेंगे तो एक्चुअल इसका साइज़ इतना ही, एकदम छोटा साइज़ में होता है, ठीक है। अब देखेंगे बहुत जो स्टॉक था वो खाली हो गई है, मतलब कुछ ऑर्डर भी चली गई इसमें और कुछ जो बाकी है वो मैं तो क्लीन बिग बिग चंक्स जो भी है उसको निकाल कर बाजू रखा जा रहा है। जो भी रेड है उसको पहले ही हम क्लीन कर लेते हैं। अभी क्रम्बल भी कस्टमर मांगते तो टाइम पे नहीं मिलते, इसलिए पहले से ही इसको, ये देखेंगे आप डिटेल वीडियो है बटर ग्री की, और ये बिल्कुल भी गमी नहीं है, क्योंकि बटर ग्रे का जो प्रॉब्लम है वो गमी होती है। ये एक साथ ही बड़े बड़े पीसेस को हटाया जाएगा, जितने भी बिग पीसेस है वो सब निकाले जाएंगे, और उसी में रेड वाले जो भी है वो अलग होंगे, ब्लैक वाले अलग होंगे और येलो वाले भी अलग हो जाएंगे, या फिर एक ही बैग में हम रख देंगे। बाद में भी जैसे समय मिलता है वो हिसाब से सब क्लीनिंग चालू होता है। जो क्लीनिंग के लिए हमारे यहाँ जो वर्कर्स हैं अभी थोड़े आएंगे, आए नहीं हैं दिवाली के कारण, ठीक है, इसीलिए हम जो भी है वीडियो कम दिखा रहे हैं आप लोगों को। जैसे ही सब आते हैं, ज़्यादा नहीं है, दो वर्कर हैं, वो जैसे ही आते हैं रिटर्न तो अपना रेगुलर पैकिंग वो सब चालू हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ना ये जो भी है काम उसको बहुत समय लग जाती है, तो सॉर्टिंग क्लीनिंग होती है, पैकिंग होती है ना, तो ये सब कामों के लिए कोई तो भी चाहिए होता है। ये कितना सुपर बढ़िया चंक्स था, लेकिन वो टूट गई। आप देखेंगे लेयर्स थे इसके, अच्छे वाले लेयर थे, उसको धक्का लगा तो वो टूट गया। कितना सुंदर था, कितना सुपर था, क्रंची में था लेकिन टूट गया। मैंने पहले ही बताया ये दोनों साइड से रोस्ट है, लेकिन उसकी लेयर जो है ओपन हो गई है ना, इसलिए वो क्या हुआ है, ब्रेक हो गया, ठीक है। पैकिंग अच्छा ही होता है, लेकिन पोस्ट ऑफिस से शिपिंग अगर कोई लेता है तो वो तो ऑब्वियसली बहुत टूट जाता है। चपटी मिट्टी करके अपने पास स्टॉक था, नासिक का जो मिट्टी है चपटी मिट्टी, वो स्टॉक नहीं मिल रहा है और उसको हम बुलवा नहीं रहे, उसको ऑर्डर नहीं कर रहे, ये अपना अभी डायरेक्ट गुजरात से ही मंगा रहे, इसलिए बिग बिग चंक्स में आती, क्योंकि चपटी मिट्टी काफ़ी छोटी होती है, वो उसके भी लेयर होते हैं लेकिन वो काफ़ी छोटी, इतनी छोटी होती है कि फिर वो अच्छा नहीं लगता है, वो क्रम्बल साइज लगता है। फिर वो कस्टमर बोलते कि प्राइस कम करो, छोटा ही तो है, लेकिन ऐसे थोड़ी चलता है, हमने प्राइस सबके लिए एक जैसे दिया है ना, तो नहीं ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, ये भी बता दें आपको। वाओ, ये देखेंगे रेड बटर कितना सुपर में निकला हुआ है चंक्स, इसलिए हम सॉर्टिंग करते कि एंड टाइम पे कस्टमर को जो चाहिए वो उसको नहीं मिलता,
पहले से उसको थोड़ा सा ठीक करके रखेंगे तो आपको भी अच्छा ही मिलता है। ठीक है, वीडियो को चलो लंबा नहीं बनाते, इसमें खाली आपके लिए चंक्स दिखाने थे, क्योंकि एक साथ पूरा बल्क जब दिखाते हैं तो अच्छे चंक्स जो होते हैं ना वो दिख के नहीं आते, इसीलिए। ठीक है, जिसको भी चाहिए ऑनलाइन परचेस है, COD अपने पास नहीं है, आप ऑर्डर करिए आपको मिल जाएगा। और ये कस्टमर का ही रिक्वेस्ट होता है कि हम वीडियो अपलोड करें न्यू स्टॉक का, और उनको अच्छा लगता है वीडियो देखना। ठीक है, थैंक यू एंड बाय फ्रेंड्स।